हेलो फ्रेंड, देखिए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वॉल्यूम 2 रेलवे स्पीडी बुक के बारे में। इस बुक में सभी क्वेश्चंस होंगे आपके एमसीक्यू फॉर्मेट में और टोटल सेट इसमें बहुत सारे हैं सॉल्व करने के लिए। 250 करीब, मतलब 250 करीब इसमें सेट हैं और हर एक सेट में कम से कम 40+ क्वेश्चन हैं। देखिए पिछले 6 वीडियो मैंने बनाए, उन सभी वीडियो पे व्यू काफ़ी कम आए, इसलिए मैंने वीडियो बनाना बंद कर दिया था बीच में। क्योंकि जब सुनने वाला कोई नहीं होगा तो आप बोलेंगे क्या? आपको देखने वाला कोई नहीं होगा तो आप दिखाएंगे क्या? यही चीज़ फिर इसमें भी अप्लाई होती है। देखिए मैंने पहला वीडियो डाला, उसमें व्यू कम आए, वो वीडियो स्टार्टिंग के 3 वीडियो ऑटोमेटिक डिलीट हो गए। मतलब कि मैं यहाँ से मेहनत करते रहूँ, वीडियो रिमूव होते रहे, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अगला वीडियो आएगा तो देख लेंगे, नहीं आएगा तो जय माता दी। यही तो फ्रेंड बातों को समझिए। कोई भी वीडियो अगर आप देखते हैं तो सबसे पहले आप ऑनलाइन देखिए, ऑफलाइन सेव ना करें, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे ऑफलाइन सेव करते हैं और ऑफलाइन के बाद कितना देखते हैं, कितना फॉलो करते हैं वीडियो को, मैं नहीं जानता। वो तो या आप, तो आपका मोबाइल जानता होगा या फिर आप। ठीक है, वीडियो को बस केवल देखें तो पहले ऑनलाइन देखिए आप, उसके बाद चाहें तो आप ऑफलाइन सेव कर सकते हैं। और इस वीडियो को मैक्सिमम जितना शेयर करेंगे उतना ही ये वीडियो सर्कुलेट होगा, उस बच्चे तक पहुंच पाएगा जिसको इसकी आवश्यकता है। तो समझिए मेरी बातों को, मैं काफ़ी वीडियो में ये चीज़ कहता हूँ, अगर इसके अगेन व्यू कम आए तो शायद वीडियो कुछ टाइम बाद आपको मिले, लेकिन मिलेगा पक्का। वैसे भी यही तो होता है इंडिया में, जब तक आग नहीं लगती तब तक कुआं नहीं खुदेगा। भाई अभी इसका नोटिफिकेशन कौन सा आ गया एग्ज़ाम का, तभी तो आप लोग पढ़ ले रहे हो। एक बार नोटिफिकेशन आ जाए, आप फॉर्म भर दो, तब देखिए क्या होते हैं, कितने व्यू आते हैं ऐसी वीडियो पर। और अगर आ जाए एक बार एडमिट कार्ड, फिर तो पूछो ही मत, फिर तो बंदे कटाकर सर्च करते हैं वीडियो में, खड़ा कहाँ मिलेगा यूट्यूब पर, और बुक कौन सी मिलेगी, ये बुक है, वाह, तो ये चीज़ होती है। या तो फिर मैं तुम्हारे नोटिफिकेशन आने का इंतजार करूँ तब ये वीडियो डालूँ, अननेसेसरी मैं क्यों टाइम खर्च करूँ अपना। चलिए बात बहुत अधिक हुई, शुरू करता हूँ मैं आज का अपना ये वीडियो। आप लोग कमेंट्स करें इससे पहले कि सर आप बोलते बहुत हो। चलिए देखिए पहला जो क्वेश्चन है इसको आपने अटेम्प्ट करना है रियल एग्जाम की तरह। देखिए आपकी तैयारी कितनी रही थी। क्वेश्चन नंबर 1 है कि आधुनिक युग की मीरा के नाम से किसे जाना जाता है? अमृता प्रीतम को, महादेवी वर्मा को, अरुंधति राय को, या फिर शोभा डे को? तो अब हमको इसमें जो है राइट आंसर चूज करना है अपना। फटाफट आप लगाइए अपना राइट आंसर क्या रहेगा, फिर मेरे आंसर के साथ में उसको टैली करना, राइट? तो फर्स्ट का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका बी, महादेवी वर्मा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि बजट को किस सूची में रखा गया है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इनमें से कोई भी नहीं। तो सेकंड का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर 3 है कि राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को संविधान के द्वारा कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1945, 22 जुलाई 1947, 30 अप्रैल 1947, या फिर 24 अगस्त 1946? तो थर्ड का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा 22 जुलाई 1947। देखिए रेल बजट को सामान्य बजट से किस समिति के सिफारिश के आधार पर अलग अलग पेश किया गया, प्रस्तुत करा गया, उस समिति का नाम क्या है? लुइस ऑकवर्थ वर्मा मुखर्जी। बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आपने वॉल्यूम 1 डिस्क्रिप्टिव जो बुक है जिसके वीडियो बन चुके हैं, अब वो बुक मानो कि कंप्लीट हो चुकी है। 46 पार्ट उसका अंतिम पार्ट रहेगा, उसके बाद में उसके सेट स्टार्ट होंगे, वो मैं करवाऊंगा एग्जाम टाइम में, सोच रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आपने वो पूरी बुक नहीं देखी है, प्लेलिस्ट में जाना, वो बुक के सभी वीडियो आपको मिल जाएंगे। अगर आपके पास में बुक है, आपको पता है कि कितना पढ़ना है, तो वो वीडियो प्लीज़ वॉच मत करिएगा, केवल केवल रिवीजन करना है आपको डायरेक्ट अपनी बुक में से। वहाँ पे ये सभी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ये तो केवल एक माध्यम है आपका रिविज़न करवाने का बस, कि आपने वो बुक कितनी ईमानदारी से पढ़ी थी। तो समिति का नाम बताइए क्या था? तो समिति का नाम है आपका बी, ऑकवर्थ समिति। उसके बाद 5 नंबर है कि भारतीय तिरंगा झंडे के बीच में चक्र में कुल कितनी तिल्लियां होती हैं? देखिए एग्जाम में आपको तिल्लियों के अलावा स्कोप कहता है, कितने स्कोप होते हैं, या तो स्कोप बोलेगा या तिल्ली बोलेगा, तो दोनों में आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। तो 14, 20, 24, 34, तो इसका राइट आंसर है आपका सी, 24। क्वेश्चन नंबर 6 है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट पेश किया था किसने? आर के शनमुखम सेट्टी ने,
डॉक्टर डी आर प्रधान ने, जॉन मथाई ने, वी के श्रीवास्तव ने। सिक्स राइट आंसर शनमुखम सेट्ठी ने। क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर को भारत सरकार के द्वारा कब अपनाया गया था? 15 अगस्त 1947, 22 मार्च 1957, 16 अप्रैल 1946 और 26 जनवरी 1950। 7 का राइट आंसर आपका बी, 22 मार्च 1957। क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? दरियाई घोड़ा, घड़ियाल, डॉल्फिन, स्टारफिश। 8 राइट आंसर सी, डॉल्फिन। आगे बात करते हैं कि वैट को सबसे पहले किस राज्य ने अपनाया था? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा। 9 नंबर राइट आंसर डी। प्रथम हिंदी सम्मेलन 1975 में कहाँ पर संपन्न हुआ? दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, नागपुर। 10 का राइट आंसर होगा आपका डी, नागपुर। क्वेश्चन नंबर 11, सेन वैट का संबंध किससे है? सीमा शुल्क से, आयकर से, निगम कर से, उत्पाद शुल्क से। 11 का राइट आंसर होगा आपका डी, उत्पाद शुल्क से। 12 नंबर है, विश्व की सबसे प्राचीन लिखित भाषा किसको माना जाता है? हिंदी, ग्रीक, रोमन, सुमेरियन। 12 राइट आंसर डी, सुमेरियन। अब देखिए, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं को सम्मिलित किया गया? 8, 12, 14, 22। 13 राइट आंसर 22। आई थिंक आप लोग उसको अटेम्प्ट कर रहे होंगे या फिर केवल सुन रहे होंगे, कुछ कह नहीं सकता। देखिए, अटेम्प्ट करिए, अभी भी वक्त है, अभी क्वेश्चंस कंप्लीट नहीं हुए हैं, 42 क्वेश्चंस में हैं, तो उठा लीजिए पेन पेपर। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर की, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपने रियल एग्जाम में आपने देखा होगा पक्का, अगर कभी भी आपने मॉक टेस्ट या फिर रियल एग्जाम दिए हैं तो। रामायण से, महाभारत से, मुंडकोपनिषद से, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। आंख बंद करके लगा लो उसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 15 है कि भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली लैंग्वेज कौन सी है? अंग्रेजी, बांग्ला, हिंदी, तेलुगु। अब बताइए, इसमें आपको डाउट है क्या? आधुनिक युग का तुलसी किसे कहा जाता है? रामधारी सिंह दिनकर को, मैथिली शरण गुप्त को, गोपाल सिंह नेपाली को, या फिर कबीरदास को। तो इसमें से आपको क्या लग रहा है? तो इसमें से कुछ नहीं होगा, ये है आपका मैथिली शरण गुप्त। देखिए, इसको याद करने का ना एक तरीका आप देख लीजिए, तुलसी का पत्ता होता है ना, तुलसी का पेड़ होता है, तो उससे हम जो दवाई बनाते हैं वो क्या होती है? वो होती है दवाई, क्या होती है? आयुर्वेदिक। और मैथिली से बना है मेथी, जो आप किचन में यूज करते हैं, तो मेथी को पीस के पेस्ट बनाते हैं, पानी के साथ मिला के पीते हैं, तो क्या होती है, खांसी ठीक हो जाती है, ऐसा कुछ कहते हैं ना। तो मेथी भी क्या हो गया? आयुर्वेदिक हो गया। तुलसी क्या हो गया? आयुर्वेदिक हो गया। तो ऐसे आप इसको थोड़ा सा रिलेट करके, आपस में कनेक्ट करके आप लोग याद कर सकते हैं, राइट? अगर डाइट कर सकते हैं तो आपको कोई भी निमोनिक आपको बनाने की आवश्यकता नहीं है, कि एक छोटी सी चीज को हम लोगों को एग्जाम्पल के थ्रू हम याद करें। ये एग्जाम्पल कभी कभी चल जाते हैं हर एक, अगर आप क्वेश्चन को सोचेंगे कि मैं शॉर्टकट की के थ्रू मैं इसको याद करूंगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। 17 नंबर है कि संस्कृत व्याकरण के जनक किसे माना जाता है? वाल्मीकि, तुलसीदास, मनु, पाणिनि। 17 राइट आंसर है इसका डी, पाणिनि। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य है कौन सा? कुरान, बाइबल, रामायण, महाभारत। बताइए। देखिए, आपको सी या फिर डी में किसी एक में कन्फ्यूजन होगा तो आप याद रखिएगा। देखिए, रामायण में जो पात्र थे बहुत कम थे, कौन? रावण, राम, सीता, लक्ष्मण, यही 4 पात्र हैं। लेकिन महाभारत में क्या है, बहुत सारे पात्र थे, जैसे 5 तो पांडव हो गए, उसके बाद में कर्ण हो गया, दुर्योधन हो गया, शकुनी हो गया। तो जितने ज्यादा उसमें एक्टर होंगे वो उतना ही क्या होगा, ग्रंथ बड़ा होगा। तो सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा हो गया? महाभारत। ठीक है, देखिए इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं चाहे तो।
क्वेश्चन नंबर 19 है कि हिंदी विषय के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? महादेवी वर्मा, मुंशी प्रेमचंद, नागार्जुन, सुमित्रा नंदन पंत। 19, सुमित्रा नंदन पंत। क्वेश्चन नंबर 20 है, सबसे अधिक बार बजट किसने पेश किया? डॉक्टर मनमोहन सिंह, चिदंबरम, प्रणब मुखर्जी, मोरारजी देसाई। 20 का राइट आंसर है आपका मोरारजी देसाई। अगला क्वेश्चन है कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तुलसीदास को, विद्यापति को, कालिदास को, मुंशी प्रेमचंद को। 21 राइट आंसर है आपका कालिदास। देखिए, चलो छोड़ो उसको, ऐसे कोई ट्रिक मत करो, वैसे याद कर लो, ये इजी क्वेश्चन में था, इसके लिए कोई एग्जांपल सेट करने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, भारत का राष्ट्रगान जनगण मन को संविधान ने कब अपनाया था? 22 जून 1947, 26 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 और 15 अगस्त 1947। 22 राइट आंसर होगा इसका आपका सी। राष्ट्रगान को गाने में कितना समय लगता है? स्कूल में आपने पढ़ा, आपने भाई राष्ट्रगान तो आप गाते थे ना स्कूल में, तो वो पता होगा कि कितने टाइम के पीरियड के अंदर हमको खत्म करना चाहिए राष्ट्रगान। तो ये क्वेश्चन वैसे एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है तो है, लेकिन पहले था अब नहीं है, लेकिन दे रखा है तो कोई बात नहीं, देख लेते हैं क्या पता, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से छोटा बड़ा नहीं होता, पढ़ना पड़ता है सब कुछ। देखिए, राष्ट्रगीत को गाने में कितना समय लगता है? राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों में फर्क है। 24 का राइट आंसर है आपका 65 सेकेंड। तो देखिए, एग्जाम में आपको राष्ट्रगान अब नहीं पूछता, आप पूछता आपसे राष्ट्रगीत, तो आपको 65 सेकेंड, देखिए 72 सेकेंड भी, 52 सेकेंड भी आपको देगा कंफ्यूज करने के लिए, तो वहां पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? लो जी बताइए, शेर या फिर बाघ, इन दो में आपको डाउट होगा, तो राइट आंसर है इसका बाघ। 26, संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय बजट का वर्णन किया गया? 110, 112, 212, 245। तो 26 नंबर है आपका 112। अगला क्वेश्चन है 27, राष्ट्रगान है आपका जनगण मन के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर, सत्येंद्रनाथ टैगोर, बंकिमचंद चटर्जी, नारायण दत्त। 27 राइट आंसर ए। अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह को भारत सरकार ने कब अपनाया था? जो अशोक जो चिन्ह है ना, वो कब अपनाया था? ये 4 वर्ष ये दिए हैं हमको, 26 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 26 मार्च 1952। 28 का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका ए। अगला है क्वेश्चन नंबर 29 कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? पीपल, नीम, यूकेलिप्टिस, बरगद। 29 राइट आंसर होगा इसका डी। अगला क्वेश्चन है 30, महाभारत के रचयिता कौन है? कालिदास, तुलसीदास, विद्यापति और डी है आपका वेद व्यास। 30 राइट आंसर है आपका वेद व्यास। क्वेश्चन नंबर 31 है कि प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 14 मार्च, 14 अगस्त, 16 मार्च, 14 सितंबर। 31 राइट आंसर डी। भारतीय बजट के प्रणेता किसे माना जाता है? लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड कर्जन, जेम्स विल्सन, लॉर्ड कैनिंग। 32 राइट आंसर सी। 33 वैट संबंधित है किससे? भाई वैट जो है सीमा शुल्क से, आयकर से, बिक्री कर से, उत्पाद शुल्क से। 33 राइट आंसर है ये आपका बिक्री कर से। राष्ट्रगान की पहली बार 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? राष्ट्रगान जो था 1911 में पहली बार गाया गया था, तो कौन सा अधिवेशन था वो राष्ट्रीय कांग्रेस का, कहाँ पे हुआ था? मुंबई, कलकत्ता, नागपुर, दिल्ली। 34 राइट आंसर बनेगा इसका बी, कलकत्ता। अगला क्वेश्चन है 35 की राष्ट्रीय गीत को सबसे पहले 1896 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? मुंबई, कैलकटा, दिल्ली, मद्रास। 35 राइट आंसर होगा इसका आपका बी, कैलकटा। अगला क्वेश्चन है 36, राष्ट्रीय गीत
वंदे मातरम का प्रथम प्रकाशन किस ग्रंथ में किया गया था? तो देखिए, गोदान, करमभूमि, तत्वबोधिनी पत्रिका या फिर उपन्यास आनंद मठ। तो 36 का जो राइट आंसर है वो है आपका डी, आनंद मठ। देखिए ये जो शब्द है ना वंदे मातरम, जब ये गीत बना था उस टाइम पे बहुत हाहाकार मचा था। इसमें जो लाइनें समर्पित थी वो पूरी पूरी हिंदू धर्म को समर्पित थी, तो उसके बाद में इसमें जो मुस्लिम समुदाय था इससे संबंधित इसमें एक भी लाइन नहीं थी। तो अंग्रेजों ने इस शब्द का बहुत फायदा उठाया, उन्होंने ये बोला कि देखिए इसमें क्या हो रहा है कि हिंदू धर्म को बढ़ावा मिल रहा है, तो हिंदू तो ये चाहता है कि पूरे भारत पर उसका अधिकार हो, तो मुस्लिम लोगों को भड़काया ब्रिटिश ने। और जो मुस्लिम लीग की अलग से जो स्थापना जो मांग रखी गई थी तब से बहुत ज्यादा तेज हुई थी इस शब्द के बाद में। तो रचयिता कौन है आपको इसके बारे में पता ही होगा, तो वो तो भाई प्योर मतलब इंडियन थे, हिंदुस्तानी थे, तो उनका ध्यान उस तरफ नहीं गया मुस्लिम समुदाय के प्रति। तो इसको फिलहाल कुछ टाइम के लिए बंद करवाने का भी आदेश ब्रिटिश सरकार द्वारा दिया गया था, और ये गाना जो है आपका ये जो राष्ट्रगीत है वंदे मातरम बंद भी हुआ था कई सालों तक, लेकिन लोगों ने जोश खरोश में बहुत सारे आंदोलन चलाए कि नहीं इसको स्टार्ट करना चाहिए। तो विचार का मतभेद का जो मेन रीजन था वो ये भी कहीं ना कहीं रहा था वंदे मातरम। तो आप याद रखना, अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रगान का प्रकाशन सबसे पहले कहाँ पे हुआ था? ये आपका तत्व बोधिनी पत्रिका में, उपन्यास आनंद मठ में, नील दर्पण में या फिर गोदान में। 37 राइट आंसर बनेगा आपका। ये एक पत्रिका थी, 37 की पत्रिका का नाम है आपका तत्वबोधिनी। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? गेंदा, गुलाब, कमल, सूर्यमुखी। 38 राइट आंसर होगा आपका कमल। रचयिता आ गया आपके सामने, देखिए राष्ट्रगीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर, सत्येंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चटर्जी, नारायण दत्त। 39 राइट आंसर बनेगा इसका आपका बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला है आपका, भारत के झंडा गीत के लेखक कौन है? श्याम लाल शुक्ल, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, अरविंद घोष। 40 राइट आंसर ए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि प्रथम हिंदू विधि निर्माता कौन थे? वाल्मीकि, तुलसीदास, मनोपाड़िनी। 41 राइट आंसर बनेगा आपका सी। अगला क्वेश्चन है 42 के, भारत का आइंस्टाइन किसे कहा जाता है? नागार्जुन, तुलसीदास, कालिदास, मैथिली शरण गुप्त। 42 राइट आंसर ए। तो फ्रेंड आज के इस वीडियो में बस केवल इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक करिएगा, और आपका जो भी स्कोर बनता है मुझे कमेंट लिख के जरूर भेजिएगा कि आपका स्कोर क्या रहा। इस वीडियो को आप जितना मैक्सिमम शेयर करेंगे वो उतने इस वीडियो पे ज़्यादा व्यू आएंगे। बाकी व्यू क्यों आएंगे क्या आएंगे, कुछ खुराफाते स्टूडेंट भी इस चैनल पे है, मुझे मालूम है कि व्यू से हमको पैसा मिलता है। पैसा क्या मिलता है? तो आप एक काम करिए, ये चैनल खुद बना के देखिए एक बार, चल जाएगा पता कि साल भर की अर्निंग आपकी 400 रुपये से ऊपर नहीं होगी। साल भर की अर्निंग बोल रहा हूँ मैं, महीने की नहीं, एक साल की अर्निंग 400 रुपये से अधिक नहीं होगी। नहीं आया यकीन? तुम खुद बना के देखो ना एक बार भाई, समुद्र की गहराई, पानी की ठंडक कब चलेगी पता? दूर से देख के तो कुछ नहीं चलेगा ना पता आपको, पहले समुद्र में उतरो, देखो पानी का लेवल क्या होता है, कठिनाई कितनी होती है उसमें, उसके जो तलवा होता है उसमें जो पाँव टच होता है तो उसमें किस प्रकार के कंकड़ चुभते हैं, किस प्रकार के रोड़े अटकते हैं हमारे रास्ते में चलते समय। तो ये सब अनुभव तभी तो होगा जब आप समुद्र में कूदोगे। तो एक बार देखो यार, फिर मुझसे एक साल बाद में बात करना कि आपने कितनी अर्निंग करी। ठीक है, मुझे पता है कि कुछ लोगों को लगता है कि ठीक है यूट्यूबर्स बहुत ही ज़्यादा अर्निंग करते हैं, कोई फालतू मेहनत नहीं करता। कुछ लोग होते हैं मेहनत करते हैं उनके लिए जो पढ़ना चाहते हैं, काफ़ी सारे चैनल ऐसे हैं। चैनल के अलावा मैं ऐसी ऐसी जगह आपको दिखाऊँ दिल्ली के अंदर ही, जहाँ पे मतलब कि उन्हें कुछ नहीं मिल रहा लेकिन फिर भी वो लगे पड़े हैं। मेट्रो स्टेशन के फ्लाईओवर के नीचे जो होते हैं, तो उसके नीचे लोग मतलब कि फ्री में बच्चों को पढ़ाते हैं, शाम को पहले प्राइवेट जॉब करते हैं, शाम को फ्लाईओवर के नीचे गरीब बच्चे को पढ़ाते हैं, अपना बोर्ड लेके जाते हैं, दीवार पे टांगते हैं बोर्ड, चौक से लिखते हैं उसमें, बच्चों को फ्री में पढ़ाते हैं। तो वो क्या है भाई, इंसानियत जिंदा रखो। कहते हैं ना कि इंसान हर घर में पैदा होता है, लेकिन इंसानियत बहुत कम घरों में पैदा होती है। तो जो वो कम पैदा हो रही है ना, तो प्लीज़ उसको होने दो और उसको बढ़ने दो। बस बढ़ने में इतना सहयोग करो कि अपना नेगेटिव दिमाग वहां मत चलाओ। थिंक अबाउट इट। बाय बाय, टेक केयर।
आई थिंक आपने अब तक लाइक का बटन प्रेस कर दिया होगा। मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ में। बाय बाय, टेक केयर एंड